चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में हर साल 60 लाख से ज्यादा मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने वालों के साथ कंपटीशन एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए यह अच्छी खबर सामने आई है। अब आपको किसी भी तरह का सर्टिफिकेट का प्रिंटआउट निकलवाने के लिए ई मित्र कियोस्क के चक्कर नहीं लगाने होंगे। DOIT ने अब इन डिजिटल साइन सर्टिफिकेट या दस्तावेजों को आवेदक के व्हाट्सएप पर मुहैया करवाने की सुविधा शुरू की है। अब आवेदनकर्ता को जरूरत होने पर ही प्रिंटआउट निकालना होगा। राजस्थान में लाखों लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन यानी कि DOIT ने बड़ी राहत दी है। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और आपने मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या फिर EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन किया है तो आपके लिए खुशखबरी है। अब इन सबके लिए ई मित्र केंद्रों पर भटकने की जरूरत नहीं होगी। DOIT की पहल के बाद अब ये सर्टिफिकेट या दस्तावेज आवेदक के व्हाट्सएप नंबर पर ही मिल जाएंगे। फिलहाल EWS जाति, मूल निवास या अन्य किसी प्रमाण पत्र समेत अन्य प्रमाण पत्र को व्हाट्सएप पर उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को शुरू करवा दिया गया है। अब किसी भी सर्टिफिकेट के बनने के बाद उसकी जानकारी टेक्स्ट मैसेज के जरिए लोगों को मिलती है, लेकिन अब तकनीकी खराबी की वजह से कई बार मैसेजेस नहीं आते। इस वजह से सर्टिफिकेट बना या नहीं इसकी जानकारी लेने के लिए लोगों को बार बार ई मित्र केंद्र पर जाना पड़ता था, लेकिन अब जैसे ही संबंधित अधिकारी सर्टिफिकेट की फाइल को ऑनलाइन मंजूरी देकर ई साइन जारी करेगा, वैसे ही सर्टिफिकेट बनकर उसकी PDF फाइल आवेदक के व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगी। हमारे सर्विसेज को और बेहतरीन बनाने के लिए और व्यक्ति के मोबाइल तक पहुंचाने के लिए डिजिटली साइन सर्टिफिकेट को हम जैसे ही इस सर्टिफिकेट्स अप्रूवल्स हो जाते हैं तो उसको मोबाइल पर व्हाट्सएप के द्वारा हम पहुँचाते हैं। ये ई मित्र बिजनेस अकाउंट के द्वारा पहुंचाया जाता है और हम व्हाट्सएप के साथ एक इंटीग्रेशन सर्विसेज को लिंक कर चुके हैं। हर साल करीब 58 लाख लोग जाति, मूल और EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन करते हैं। एक बार व्यक्ति को आवेदन करने और दूसरी बार उसे लेने आना पड़ता है, लेकिन अब जैसे ही दो स्टेप के बाद आवेदन स्वीकृत हुआ तुरंत डिजिटल साइन सर्टिफिकेट संबंधित के व्हाट्सएप पर आ जाएगा। DOIT कमिश्नर संदेश नायक ने बताया कि राजस्थान में हर साल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए लाखों स्टूडेंट्स आवेदन करते हैं। एग्जाम के लिए आवेदन ई मित्र पर करने के बाद एडमिशन कार्ड निकलवाने के लिए ई मित्र केंद्रों पर जाना पड़ता है। सबसे ज्यादा समस्या ग्रामीण इलाकों में आती है, जहां लोगों को ये सूचना तक नहीं मिलती कि एग्जाम के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो गए हैं या नहीं। ऐसे में इस परेशानी को दूर करने के लिए अब ई एडमिट कार्ड भी आवेदक के व्हाट्सएप नंबर पर पहुंच जाएगा। इसकी शुरुआत भी जल्द की जाएगी। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और अन्य सुविधाएं भी हम इस माध्यम के द्वारा बेनिफिशियरीज को या कैंडिडेट्स को पहुंचा रहे हैं। आगे हम और अन्य जो सर्विसेज से जैसे कि रिक्रूटमेंट के जो एप्लीकेशंस है उसकी उनकी जो ID कार्ड्स है उसको भी इस सर्विसेज के द्वारा पहुंचाएंगे। बहरहाल सुशासन का मतलब है बिना रिश्वत के निश्चित समय सीमा में सरकार की ओर से दी गई सेवाओं का लाभ जनता को मिल जाए। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की यह पहल लाखों छात्र छात्राओं और युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। दीपक गोयल, Zee Media, जयपुर। उधर उदयपुर कन्हैया